नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। मेरा नाम उज्जवल है और रिसेंटली मैंने अंत्योदय से 200 आवर्स का टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट किया है। अंत्योदय से मैं लगभग 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैं योगा सीखने आता था और मेनली आसन और प्राणायाम सीखा है मैंने यहाँ पे, तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। लेकिन जैसे मैम ने कहा कि डॉट्स कनेक्ट होते हैं, तो जब सब अपनी बात बता रहे थे तो मुझे लगा मुझे अपनी जर्नी बतानी है लाइफ की। मैं छोटा था तब से मुझे बहुत मतलब रिलीजियस बना दिया गया था घर से, तो मुझे चैंटिंग, चालीसा सब कुछ अच्छे से याद रहता था और मैं काफ़ी टाइम मंदिर में बिताता था, खेलता भी बहुत था। लेकिन उसकी वजह से सवाल होने लगे, भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आने लगा, तो घर वाले थोड़े से डर गए थे। तो उनके पास जवाब नहीं थे मेरे सवालों के। अब मुझे याद आता है कि मैं रोता था जब मुझे वो जवाब नहीं मिलते थे, इतनी परेशानी होती थी मुझे। फिर धीरे धीरे जैसे बड़ा हुआ, दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया और मैं इन सवालों को भूल गया। फिर लाइफ में फिर से कुछ बहुत बड़ी घटना घट गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो सुप्रीम पावर होता है उसे भरोसा उठ गया कि एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। तो आई वॉज़ वन ऑफ द एथिस्ट, और जो मेरे सामने भगवान के आर्ग्यूमेंट करेगा तो उसको मैं तो परास्त कर देता था अपने लॉजिक से। सो, मैंने अपने आप को उसके अंदर बहुत इन्वॉल्व कर लिया। उसकी वजह से जो मेरे सवाल थे वो और स्ट्रॉन्ग हो गए कि अगर इसके पीछे मुझे लॉजिक ही लगाना है, तर्क ही देना है, तो मुझे भी तो जवाब देना पड़ेगा किसी को। तो मैंने जवाब ढूंढना शुरू किया। जवाब ढूंढते ढूंढते बहुत से लोग, बहुत से वीडियोस, बहुत सी बुक्स, किताबें सब पढ़ना शुरू किया मैंने। खासकर से मेरे एक टॉपिक था कि जो हमारे रीति रिवाज है उसका मजाक उड़ाया जाता है जगह, मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उसके लॉजिक्स ढूंढता था कि क्या होता है, एनर्जी वाइज क्या होता है। फिर धीरे 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 मैंने अपनी बहुत सारा अभ्यास, पढ़ाई, और मैंने अपने आप को फिज़िकली फिट रखने का बहुत कोशिश किया थ्रू आउट। तो ये सब जर्नी चलता रहा मेरा पढ़ाई का। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस लेवल पे चेंज कर रहा है और मैं कब ध्यान में चला गया, मुझे भी नहीं पता था। और मुझे पता भी नहीं था कि वो ध्यान है। मैं बैठ के प्रैक्टिस करता था, मेडिटेट करता था, कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ता था। फिर मेरी ज़िंदगी में सद्गुरु आए, उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए और मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस भी लेके आए। सो, धीरे 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 जहाँ पे इस दुनिया में कॉरपोरेट सेक्टर में होते, आपके आसपास कोई इन बातों पे बात, मतलब इन टॉपिक्स पे बात नहीं करता, डिस्कशन नहीं करता, पार्टी, शॉपिंग, और मैं कनेक्ट नहीं हो पाता था लोगों से, तो मैं हमेशा अकेला रहता था। और फिर एक दिन यहाँ पे उसी जर्नी में अंत्योदय से मेरा जुड़ाव हुआ, तो मैं यहाँ पे आया। उसके बाद क्योंकि मैं पंजाब रहता था, मैं सिर्फ 3 महीने के लिए आया था, उसमें से 1 महीना यहाँ पे आया। फिर मैं जब भी यहाँ वापस आता अहमदाबाद, तो मैं यहाँ आता ही आता, तो कुछ इस जगह में था जो मुझे खींच के ले आता था, अट्रैक्शन थी इस जगह से कुछ। और धर्मेश सर ही फेस थे, क्योंकि मैं किसी और को जानता नहीं था यहाँ पे, तो इनके साथ बातें करना, इनको सवाल पूछना, धर्मेश सर परेशान भी हो जाते थे कभी कभी, और कभी कभी कहे प्रभु आपके जब सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, तो वो एक जर्नी रही। एंड उस दौरान मुझे याद आया कि जब मैं 20 साल का था तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, 2 प्रॉमिस किए थे, पहला कभी गरीबी नहीं देखूंगा, और दूसरा प्रॉमिस ये किया था कि मैं हमेशा समत्व की भावना में रहूँगा, ना खुशी ना दुख, ना ज़्यादा हंसना है ना रोना है, मैं हमेशा न्यूट्रल रहूँगा, यही मुझे पहुँचना है। आज यहाँ टीचर ट्रेनिंग करके समझ आता है कि यही तो असल गोल है, जो मैं बच्चा था तब मैंने ऐसे ही सोच लिया था, तो ये और स्ट्रांग हो गया यहाँ रह के। टीचर ट्रेनिंग कोर्स इसने एक और एक मेरे लिए यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना एक आईने के समान था। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, अभी तो बहुत लंबा जर्नी हमें तय करना है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो जाननी है, एक्सपीरियंस करनी है, और खुद की जो वृत्तियाँ हैं, कंपल्शंस हैं, उनको जीतना है। तो मेरे लिए एक वेकअप कॉल समझ लो या एक अलर्ट समझ लो वही था कि यार कुछ भी नहीं आता अभी, तो कुछ समझ नहीं आता इतने से। और मैं सच कहता हूँ कि काफ़ी बातें मुझे नहीं समझ आती, जो हमने सीख भी लिया, हमने पास भी, लेकिन अभी भी बहुत सवाल हैं, तो जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कैसे लाइफ वर्क करती है। मैं कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था ट्रेन में, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसका एक चैप्टर था, और
वो चैप्टर फिनिश हुआ, मेरे मन में कुछ सवाल आए, मैं सो गया। दूसरे दिन मैं लखनऊ के पास एक गांव में था, वहाँ मुझे एक सर मिले, राजेंद्र सर। हमारी डिस्कशन हुई, मुझे वो एग्जैक्ट सेम जवाब दे रहे हैं, मैंने पूछा भी नहीं उनसे, वो मेरे साथ वही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उन्होंने वही जवाब दिए। और वो तो बोल के चले गए, लेकिन मैं खुद से पूछता रहा कि ये क्या हुआ। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, मेरे साथ तो ये कंटिन्यूसली होता ही रहा है पिछले 3-4 साल से। तो ये एक असल जर्नी है, और अभी आगे देखो, आई होप कि ये कंटिन्यूसली रहे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है मुझसे छूटेगा। मैं और धर्मेश सर एक दूसरे से बात कर रहे थे, हमने यही कहा था कि अब तो कूद गए हैं इस समंदर में, वापस जाने का ऑप्शन नहीं है, अब तो आगे ही जाना है, या तो डूबेंगे या तो तैर के निकलेंगे। तो यही एक है, लेकिन अंत्योदय में मेनली धर्मेश सर, उसके बाद अवधेश सर से मैं जुड़ा था टीचर ट्रेनिंग कोर्स से पहले भी, है ना, तो उनसे भी मेरी काफ़ी डिस्कशंस हुई थी। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग कोर्स में ख्याति मैम, पूजा मैम, इन सब से जुड़ा हुआ, और वही समझ आया कि सत्संग मतलब लोग जुड़ते जा रहे हैं, हर जगह मुझे लोग मिलते जा रहे हैं। जैसे गुरुजी वीरेश्वर उपाध्याय जी हो गए, उनसे भी बात करने का मौका मिला, और दूसरी जगहों पर मौका मिलता है। तो यस, मेरे लिए तो बहुत अच्छी रही है जगह, और ये बहुत अच्छी प्लेस है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो यहाँ पे। तो मेरा ये भी मन था कि मैं कंट्रीब्यूट करूँ अंत्योदय में किसी भी तरीके से, मुझे टीचर नहीं बनना था, मैंने पहले ही बताया था। लेकिन अजीब सी बात ये है कि मैं वहाँ बैठ के आजकल क्लास ले रहा हूँ और बहुत अच्छे से मतलब ये कि मैं अगर सर ने नोटिस किया, मैं कभी वहाँ बैठता नहीं, मैं कभी अपना पैर भी नहीं रखता जब तक बोला ना जाए कि यही करना है या कोई आसन करना है। मुझे लगता है कि वो मेरी जगह नहीं, और एक दिन मैं वहीं बैठा था तो वो मेरे लिए ओवरवेलमिंग था। तो इसी तरीके से लाइफ जर्नी चलती है, आगे और भी सीखना है, चलते रहेंगे।